ठीक है, हेडिंग है फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को हम लोग पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, इज द मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट का मदर सेल है, यही मेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा, बनाएगा। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमेट के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड इनटू टू स्मॉल लेंटिकुलर जनरेटिव सेल एंड अ लार्ज वेजिटेटिव सेल। याद रखिएगा, जब पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है, याद रखिएगा कि द न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड इनटू टू लेंटिकुलर, मतलब पतली पतली जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स को बना लेता है। द जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स। वेजिटेटिव सेल तो नहीं, जनरेटिव सेल जो है वो फिर से विभाजन करता है, फिर से डिवीजन करता है और दो मेल गैमेट को बनाता है, मेल गैमेट को। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिख रखा है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्लियर। इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन हैज वेल डिफाइंड वॉल। याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन के पास, पराकण के पास उसका जो वॉल होता है वो भली भांति विकसित होता है, डिफाइंड होता है, निश्चित होता है, क्लियर। विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू लेयर, जो इसका पॉलन ग्रेन का वॉल है, दीवार जो है वो दो परत में बटा होता है बेटा। बाहरी परत को हम लोग एक्साइन और भीतरी वाले को इंटाइन कहते हैं। द एक्साइन अपीयर फर्स्ट एज थिन लेयर। याद रखिए, एक्साइन शुरू शुरू में, एक्साइन अपीयर फर्स्ट एज थिन लेयर बट लेटर बिकम कंसिडरेबली थिक। शुरू शुरू में एक्साइन पतला एक परत होता है, लेकिन बाद में इस पर डिपोजिशन होता है अलग अलग पदार्थों का और ये मोटे लेयर बदल जाता है। एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू लेयर। और इसके साथ ही साथ एक्साइन को हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक है, एक को हम लोग सेक्साइन बोलते हैं, दूसरे को नेक्साइन बोलते हैं। जो बाहरी लेयर है उसे एक्टेक्जाइन लिखा हुआ है और इंडेजाइन लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इटेक्साइन का। ठीक है, इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर, या फिर से तीन परतों में बांटा जाता है बेटा। ठीक है, और किस किस भाग बढ़ता है, तो सबसे पहले लिखा हुआ बेसल फुट लेयर, बीच में लिखा हुआ है मिडिल बैक्यूला लेयर, और सबसे ऊपर की ओर जो होगा बेटा वो टैक्टम लेयर होगा। टैक्टम, TACTUM, टैक्टम लेयर होगा। द बैक्यूला विच कंसिस्ट ऑफ रेडियली एक्सटेंडेड रॉड। याद रखिएगा, जो वैक्यूला लेयर है, जो वैक्यूला लेयर है उसमें बोल सकते हो रेडियल, रेडियल मतलब होता है कि त्रिज्या की तरह बाहर की ओर लाइंस निकली रहती हैं, बाहर की ओर धारियां दिखाई दे रही होती हैं। एक्सटेंडेड रॉड फॉर्म वेरियस स्कल्पचरिंग पैटर्न ऑन एक्साइन। ठीक है, जो बाहर से हम लोग स्कल्पचर देख सकते हैं, बनावट देख सकते हैं एक्साइन पे। द एक्साइन इज चीफली कंपोज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। याद रखिएगा, जो एक्साइन है पोलन ग्रेन का वो मुख्य रूप से बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, सब्सटेंस है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है उस स्पीसीज के पॉलन ग्रेन में होता है और प्लांट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है। द सब्सटेंस कंसिडर्ड टू बी ऑक्सीडेटिव पॉलीमर, ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड। ये जो सब्सटेंस है स्पोरोपोलेनिन वो ऑक्सीकृत पॉलीमर है। ठीक है, बहुलक है। किस चीज़ का बहुलक है बेटा, तो कैरोटीनॉइड का बहुलक है, या कैरोटीनॉइड एस्टर का बना हुआ बहुलक है। ठीक है, कैरोटीनॉइड, ठीक है, स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो उसी का एस्टर है ये। एस्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, क्लियर। इट इज अ टफ सब्सटेंस प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन एंड दस चेक द नेचुरल डीके ऑफ पॉलन ग्रेन। याद रखिएगा, ये कैरोटीनॉइड जो है या स्पोरोपोलेनिन जो है एक ऐसा बैरियर बनाता है पॉलन ग्रेन के चारों तरफ, एक ऐसा बैरियर, एक दीवार बनाता है, प्रतिरोध बनाता है, जो जिसके कारण अगर कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा हो उससे ये पॉलन ग्रेन बच जाता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक क्षय से या फिजिकल प्रोसेस से या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से पॉलन ग्रेन खुद को बचा लेता है। किसके कारण, तो उसके विशेष प्रकार के एक्साइन के कारण, और एक्साइन बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन के कारण। हो जाएगा, आगे लिखा बेटा, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। याद रखिएगा, जो फॉसिलेशन में कुछ ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं हम लोग को, जहां हम लोग को प्रिजर्व्ड पॉलन ग्रेन मिलता है, मतलब संरक्षित पराकण मिल जाता है, अभी भी संरक्षित पराकण मिल जाता है, कई हजार साल पुराना। ठीक है, ये इसलिए हो पाता है क्योंकि स्पोरोपोलेनिन उस पराकण को बचा के रखता है, पॉलन ग्रेन को। स्पोरोपोलेनिन जो ऊपर कोटिंग है ना एक्साइन जो, वो उसको बचा लेता है। द एक्साइन इज कम्प्लीटली अब्सेंट और रिप्रेजेंटेड बाई इंडेजाइन ओनली बिलो द पोर और अपर्चर रीजन। याद रखिएगा, एक्साइन उस जगह पे बिल्कुल नहीं होता,
ठीक है, जहाँ पे पराग पराकण छिद्र होता है, यानी याद रखिएगा पॉलन ग्रेन में जगह जगह छिद्र होते हैं जहाँ से जर्म ट्यूब बाहर आता है, जनन नली बाहर आता है, उस जगह पे एग्जाइन बिल्कुल नहीं होता। अगर जर्म ट्यूब वाले जगह पर भी एग्जाइन होता ना तो ये पराग पॉलन ग्रेन कभी भी जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उन छिद्रों वाले जगह पर केवल एग्जाइन हो इनटाइन होता है, इनडेटाइन इनडिजाइन होता है। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक्टेजाइन और इंडेजाइन दिया हुआ है, उसके बाद इनटाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है टैक्टम है, वैक्यूलम है और फोर्थ लेयर है, उसको ध्यान देख लीजिएगा, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन वॉल है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग की बेटा बनती है वो इनटाइन है, ठीक है, इनटाइन। अब पॉलन ग्रेन का जो वॉल है वो एक्जाइन और इनटाइन में डिफ्रेंशिएटेड था, एक्जाइन और इनटाइन में बटा हुआ था, तो भीतर वाले लेयर को हम लोग इनटाइन बोलते हैं। इनटाइन इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। जो इनटाइन है पॉलन ग्रेन का वो बना होता है बेटा पैक्टिन, पैक्टिक पदार्थ का, और सेलुलोज का, सेलुलोज जानते हैं हम लोग, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। द फाइब्रिल्स ऑफ सेलुलोज आर अरेंज पैरेलल टू पॉलन सरफेस। याद रखिएगा, जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं, पतले पतले फाइब्रिल्स जो हैं, वो समानांतर लगे होते हैं, समानांतर लगे होते हैं, खींची के समानांतर, तो पॉलन ग्रेन के सतह के समानांतर लगे होते हैं, समानांतर समझ सकते हैं आप लोग। द इनटाइन इज यूजुअली थिकर अंडर पोर्स। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ जर्म पोर है, जहाँ जहाँ जनन छिद्र है, वहाँ पे जो इनटाइन है वो मोटा होता है बेटा। एंड ऑल दीज पॉइंट्स इज आल्सो कंटेन एंजाइमेटिक प्रोटीन। और हर इस पॉइंट पे विशेष प्रकार के एंजाइम युक्त प्रोटीन मौजूद होते हैं, ठीक है, जहाँ जर्म पोर है वहाँ पे। पराक्रम समझ रहे हैं ना, पराक्रम जहाँ जहाँ जर्म पोर होगा वहाँ पे वो छिद्र मौजूद होगा, प्रोटीन मौजूद होंगे। आगे लिखा हो बेटा, इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीसीज, ऐसी जातियाँ जिसका पॉलिनेशन इंसेक्ट करते हैं, ठीक है, इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीसीज द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन इज कवर्ड बाई ऑयली लेयर कॉल्ड पॉलन किट। याद रखिएगा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है, सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन इज कवर्ड बाई एन ऑयली लेयर कॉल्ड पॉलन किट, हो गया। द स्टिकी नेचर कलर एंड स्मेल ऑफ पॉलन ग्रेन इज ड्यू टू इट्स प्रेजेंस। याद रखिएगा, इस पॉलन किट के कारण जो पॉलन ग्रेन है वो चिपचिपा हो जाता है, इसको एक स्पेशल रंग मिल जाता है, या ये बोल सकते हो इसको स्पेशल गंध मिल जाता है, स्मेल मिल जाता है, ठीक है, ड्यू टू दिस प्रेजेंस, यानी पॉलन किट के कारण। द सबस्टेंस नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलन किट आर सिक्रेटेड बाय टेपिटल सेल। याद रखिएगा, पॉलन किट नामक जो पदार्थ है, सबस्टेंस है, इसको टेपिटल कोशिकाएं बनाती है। आप लोग टेपिटम पढ़े हैं जी। आप लोग पढ़े हुए हैं, जो स्पोरेंजियल वॉल पढ़ रहे थे, माइक्रोस्पोरेंज के जो स्पोरेंजिया के जो वॉल पढ़ रहे थे, तो आप पढ़ रहे सबसे इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज टेपिटम, ठीक ना। यहाँ बात कर रहा है वो टेपिटम की कोशिकाएं ही पॉलन किट को बनाएंगी, किट को बनाएंगी। ऑल्दो पॉलन किट अलग से क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ठीक है, जैसा कि आया भी है बोल रहे हो। ऑल्दो डिफाइंड फंक्शन ऑफ पॉलन किट इज नॉट नोन। पॉलन किट का एक फिक्स काम अभी तक ज्ञात नहीं है। इट इज बिलीव दैट, ये माना जाता है कि पॉलन किट क्या क्या काम कर सकता है। इट हेल्प इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट, दूसरा प्रोटेक्ट पॉलन ग्रेन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी परावैगनी किरणें जो पड़ती हैं पॉलन ग्रेन पर उससे उनको बचाता है, दूसरा इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, और तीसरा स्टिकी नेचर, इसका जो चिपचिपा स्वभाव है, हेल्प द स्टिकिंग पॉलन टू इंसेक्ट बॉडी। वो इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाता है और एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसका यूज होना है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन कंटेन डिक्टियोसोम। याद रखो बेटा, पॉलन ग्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है, तो डिक्टियोसोम होता है। डिक्टियोसोम मतलब गॉल्गी बॉडी। हाँ, प्लांट बॉटनी में या प्लांट सेल में गॉल्गी बॉडी को हम लोग डिक्टियोसोम बोल देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो। याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में डिक्टियोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। पॉलन ग्रेन्स आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक एज लॉन्ग एज दे आर इन टेट्राड, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस अमाउंट में होता है, सारे चारों के चारों अणुओं में, बट सून आफ्टर दे रिलीज फ्रॉम टेट्राड, जैसे ही वो टेट्राड से अलग होते हैं, जब चार के झुंड में रहते हैं तो पॉलन ग्रेन जो है वो डेंस है, लेकिन जैसे ही ये अलग होते हैं, रिलीज फ्रॉम टेट्राड, दे अंडरगोज कंसिडरेबल इनलार्जमेंट, ये ठीक है, जल्दी ये पॉलन ग्रेन आकार में बड़े हो जाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट देयर साइटोप्लाज्म बिकम हाईली वैक्यूलेटेड, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो पॉलन ग्रेन है, इसका जो
साइटोप्लाज्म है उसमें रिक्तिकाएं विकसित हो जाती हैं, वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। मेच्योर पोलन ग्रैंड कंटेन 7-26% प्रोटीन, 24-48% कार्बोहाइड्रेट एंड 0.9-14.5% फैट एंड 0.9-5.4% एस राख जिसकी बात कर रहे हैं, या 7-16% वाटर। याद रखिएगा एक परिपक्व पोलन ग्रेन में ये सब सब्सटेंसेस पाए जाते हैं फिक्स अमाउंट में। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, और उसको बर्न करके देखेंगे तो राख होता है एंड वाटर होता है, पानी का अमाउंट होता है निश्चित अमाउंट में होता है, इसी के अप्रॉक्स ये सब कुछ मिल जाता है। यहाँ एक डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, किसका? तो पोलन ग्रेन का डायग्राम दिख रहा है, इसको ध्यान देख लीजिए। इसमें बाहर की ओर एक्साइन है, फिर इंटाइन है, इंडेजाइन है और एक्टेजाइन है, इंडेजाइन और इंटाइन है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नीचे कुछ नाम दिया हुआ है, जनरेटिव न्यूक्लियस है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसको ध्यान से आप डायग्राम को देख लेंगे, ठीक है। आगे एक डायग्राम को दिख रहा है पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन का, ठीक है। तो इसमें भी आप नाम को चेक कर लीजिए, नाम ही पढ़ना हम लोग को, नाम चाहिए, एक्साइन है, इंटाइन है, वैक्यूल्स हैं और न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, क्लियर। जब इसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो जो इसका न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है और दो न्यूक्लियस को बना रहा है, दो सेल को बना रहा है, किसे किसे? तो एक बनाया वेजिटेटिव सेल और दूसरे को बनाया जनरेटिव सेल, डायग्राम नंबर बी में देख लीजिए आप लोग, ठीक है। डायग्राम नंबर सी में देखिए, तो तीन सेल बन गई हैं, दो मेल गैमेट्स बन गई हैं और एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो, तो वेजिटेटिव सेल जो है, वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब को, पोलन ट्यूब जनरेट हो रहा है और पोलन ट्यूब के आगे आगे चल रहा है और पोलन ट्यूब को बड़ा करते जा रहा है, और मेल गैमेट दो की संख्या में इसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहा है, ये फर्टिलाइजेशन वाली स्थिति को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल, ये देखिएगा डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग मेल गैमेटोफाइट का, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं मेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। आगे स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल। अभी हम लोग पोलन ग्रेन को देख रहे थे, तो उसमें पोलन ग्रेन जब डिवीजन करता है तो एक जनरेटिव सेल को बनाता है और एक वेजिटेटिव सेल को बनाता है, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट डिवीजन ऑफ पोलन ग्रेन विच इज माइटोटिक, पहला डिवीजन जो पोलन ग्रेन के अंदर होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो अनइक्वल सेल बनती हैं, दो अलग अलग आकार वाली, साइज में अलग अलग आकार वाली कोशिकाएं बनती हैं। बड़े आकार वाले सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटे आकार वाले सेल को हम लोग जनरेटिव सेल कहते हैं। आगे लिखा बेटा, इनिशियली, शुरू में ही, इनिशियली द जनरेटिव सेल इज अटैच टू इन टाइम अ पोलन वॉल बट लेटर गेट डिटैच फ्रॉम पोलन वॉल, हो गया। शुरू शुरू में होता क्या है, जो जनरेटिव सेल बना हुआ है वो चिपका रहता है बेटा, किससे चिपका रहता है? तो हाँ, पराकण के दीवाल से, भीतर वाले दीवाल क्या है, इंटाइन है, इंटाइन से चिपका रहता है, लेकिन बाद में यह अलग हो जाता है, लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म, हो गया, साइटोप्लाज्म और वेजिटेटिव सेल। इसके बाद वो फ्री हो जाता है, और कहाँ फ्री हो जाता है? वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाता है, याद रखना, वेजिटेटिव सेल साइज में बहुत बड़ा है, उसी के अंदर ये जनरेटिव सेल भी बिखरा हुआ है। इवेंचुअली द वेजिटेटिव सेल डेवलप इनटू पोलन ट्यूब, आगे चलकर जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब को बनाता है, आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन, पोलन ट्यूब को बनाता है एंड जनरेटिव सेल फॉर्म टू मेल गैमेट्स। जनरेटिव सेल जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन करके, ऑलरेडी वो हैप्लॉइड होता है और माइटोसिस सेल डिवीजन करके वो दो मेल गैमेट्स को बना देता है, जो पोलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे मूव करते हैं। पोलन ग्रेन व्हेन दे सेपरेट फ्रॉम टेट्राड, जैसे ही पोलन ग्रेन टेट्राड से अलग होता है, ठीक है, जैसे ही पोलन ग्रेन अलग होता है, ऐसा पोलन ग्रेन कैसा होता है बेटा? आर यूनिन्यूक्लिएट, सभी पोलन ग्रेन यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट, पूरा का पूरा हमने छोड़ दिया, मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट देयर इज अ शॉर्ट इंटरवल बिटवीन सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ पोलन ग्रेन, याद रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं अधिकांश ट्रॉपिकल प्लांट के बारे में, तो होता क्या है, एक छोटा सा गैप होता है, कहाँ कहाँ गैप के बारे में बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, याद रखिएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सेकेंड मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो हो गया, उसका सेकेंड मायोटिक डिवीजन हुआ, उसका थोड़ा सा गैप रहेगा, और उसके बाद क्या होना है भाई, अगर डिवीजन हो गया तो माइक्रोस्पोर तो बन गया, अब माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन से पता है आपको कि मेल गैमेट बनना है, पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट बनना है, तो पोलन ग्रेन के अंदर ही तो डिवीजन होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर से दो मेल गैमेट बनने हैं, पोलन ग्रेन एक सेल है, पोलन ग्रेन जो बना है वो एक सेल है, और उसको दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करना है, तो बिना डिवीजन के तो दो मेल गैमेट्स नहीं पैदा हो सकते ना, तो ये जो डिवीजन होता है, यानी
गैमिट फॉर्मेशन वो और सेकेंड मियोसिस के बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा गैप होता है, उसी गैप के बारे में बात कर रही है। हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन में जो फर्स्ट डिवीजन हुआ तो क्या बना था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस सेल बना था और जनरेटिव सेल बना था, उसमें थोड़ा गैप होता है। इन सम स्प्रिंग फ्लावर स्पीसीज, ठीक है, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें फ्लावरिंग जो है स्प्रिंग सीजन में आती है। ठीक है, स्पीसीज ऑफ टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन समझते हैं आप लोग, ठंडा क्षेत्र, जो ठंडे क्षेत्र हैं और उसमें बसंत काल के दौरान जहाँ फूल आता है, वेयर फ्लोरल ऑर्गन्स आर फॉर्म इन लेट ऑटम, याद रखिएगा उसमें फूल के जो अंग बनने शुरू होते हैं वो अंत में बनते हैं, ऑटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम जो होता है ना, पतझड़ के मौसम जो खत्म होने हो रहा होता है उस समय फ्लोरल ऑर्गन बनने शुरू हो जाते हैं। फूल के जो अंग हैं, फूलों में कौन कौन से अंग होते हैं आप जानते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये सारे बनने शुरू हो जाते हैं, वेयर फॉर्म इन ऑटम सीजन। दिस इंटरवल में बी सेवरल मंथ, ये जो इंटरवल होता है ना वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, सिर्फ कई महीनों का इंटरवल होता है। देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन इन फर्स्ट डिवीजन ऑफ पोलन ग्रेन एंड अनदर लॉक्यूल्स, बट डिफरेंसेज इन टाइमिंग इन डिफरेंट पोलन ग्रेन इज नॉट ग्रेट, याद रखिएगा यहाँ बोला कि साथ साथ नहीं होता कोई सिंक्रोनाइजेशन, साथ साथ नहीं होता, एक बहुत लंबा टाइम लेता है ये डिवीजन में। दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू लैक ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अदर लॉक्यूल्स एंड एंथर लॉक्यूल्स। याद रखो यहाँ पे होता क्या है कि हम बात किए थे पहले ही कि माइक्रोस्पोर मदद से जब पोलन ग्रेन बन रहे थे ना तो सारे पोलन ग्रेन एक साथ बन रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो आसपास अगल बगल जो सेल्स हैं ना वो एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा नाम आया होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन में थी, सारी सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तो एक सेल में अगर जो काम हो रहा है वो लगभग धीमे धीमे हर सेल में एक साथ शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है, जो बात कर रहा है किस तरह के प्लांट बात कर रहा है, तो टेम्परेट रीजन के फ्लोरल प्लांट्स के बारे में बात कर रहा है जो स्प्रिंग सीजन में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उनमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से फूल जो बनता है उसमें अंतर होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा बेटा, लिखा हुआ है बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड अनदर लॉक्यूल, हाउएवर इन एस्कल्पिडियेसी, मिमोसाइडी, ऑर्किडियेसी, वेयर पोलन ग्रेन्स आर यूनाइटेड इन पोलिनिया और मैसोली, लिखा पोलिनिया नाम उसका, फर्स्ट डिवीजन ऑफ पोलन ग्रेन इज साइमल्टेनियस, पोलर डिवीजन साथ साथ होता है इसमें, प्रोटोप्लाज्म जितने भी पोलन ग्रेन रहेंगे ना सब में पोलर डिवीजन साथ साथ होगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन सो टू मार्क्स चेंजेस बिफोर डिवीजन, याद रखिएगा जब पोलन ग्रेन समझ रहे हो, माइक्रोस्पोर की हम बात कर रहे हैं बार बार, पोलन ग्रेन में जब डिवीजन स्टार्ट होगा बेटा तो डिवीजन के पहले ही कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे उसमें, भैया विभाजन से पहले कुछ तो उसमें बदलाव आएगा तब ना विभाजन करेगा वो, तो विभाजन से पहले चेंजेस शुरू हो जाएंगे। हो गया, क्या चेंज होगा, इट्स न्यूक्लियस माइग्रेट फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, जो माइक्रोस्पोर में जो न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, वो बीच में है, वो बीच से किनारे चला जाएगा, यानी न्यूक्लियस से किनारे चला जाएगा। द माइग्रेशन ऑकर इन डिफिनिट डायरेक्शन एंड डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ जनरेटिव सेल, याद रखिएगा माइग्रेशन जो होगा एक निश्चित डायरेक्शन में होगा, निश्चित डायरेक्शन में, और वो जनरेटिव सेल के पोजिशन को निर्धारित करेगा कि किस जगह पर जनरेटिव सेल चिपका रहेगा। अभी बोले ना जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन के दीवार से चिपका रहता है, तो जब न्यूक्लियस से नहीं पहुंचेगा तो चिपकेगा कैसे, भाई दो सेल बना जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, तो जनरेटिव सेल जो बना वो वहीं चिपका ही रह जाएगा और वेजिटेटिव सेल पूरे बड़ी सी सेल बन जाएगी, जनरेटिव सेल छोटा सा रहेगा दीवार पर चिपक जाएगा और वेजिटेटिव सेल जो रहेगी पूरे जो पोलन ग्रेन है उसी में एक बड़ी सी कोशिका बन जाएगी, उसी बारे में बात कर रहा है। डिफिनिट डायरेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन ऑफ जनरेटिव सेल, आगे लिखा बेटा तो पोजिशन है, ठीक है, ये जेनेटिक करेक्टर है, जेनेटिक करेक्टर हर स्पीसीज में। सेकंड है, इन मेनी वैक्यूल्स अपीयर बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ पोलन वॉल ऑन साइड वेयर वेजिटेटिव सेल इज टू बी फॉर्म, और दूसरे जहाँ वेजिटेटिव सेल बनना है वहाँ ढेर सारे वैक्यूल्स अपीयर हो जाएंगे, जहाँ वेजिटेटिव सेल बनना है वहाँ ढेर सारे वैक्यूल्स बन जाएंगे बेटा। आगे, द माइटोटिक स्पिंडल ऑफ पोलन ग्रेन इज एसिमेट्रिकल, फिर से ध्यान सुनो, माइटोटिक स्पिंडल जब भी कोई सेल डिवीजन करता है तो स्पिंडल वो बनता है, माइटोटिक स्पिंडल बनता है, स्पिंडल को हम लोग तरकू बोलते हैं, इसे स्पिंडल ऑपरेटर्स भी बोल देते हैं हम लोग,
तो जो स्पिंडल ऑपरेटर्स बन रहा है वो सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, आधा आधा नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, ठीक ना, एक तरफ छोटा रहेगा एक तरफ बड़ा रहेगा, तभी तो एक तरफ बड़ा वेजिटेटिव सेल बन रहा है एक तरफ छोटा बन रहा है, ठीक है, एसिमेट्रिकल रहेगा। इट इज़ शॉर्ट एंड ब्लंटेड टुवर्ड्स द पोलन वॉल, यानी जिधर पोलन वॉल है ना उधर छोटा रहेगा, ठीक ना, और जिधर पोलन वॉल से दूर है उधर बड़ा रहेगा, पोलन वॉल एंड लॉन्ग एंड एक्यूट नोकीला टू इनर साइड, यानी सेंटर की ओर वो बड़ा होगा और जिधर दीवार है उधर छोटा हो जाएगा। द एंगल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ऑफ वॉल ऑफ द ग्रेन पोलन ग्रेन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, वो एंगल उतना ही रुका रहेगा इन एन स्पीसीज, एक स्पीसीज में, जो किसी एक स्पीसीज की बात करोगे तो वो एंगल हर पोलन ग्रेन में वही होगा, याद रखना, इसको समझना होगा तो इसके बाद हम कॉपी पर ड्रा कर बता देंगे, वो हर एंगल एक ही रहेगा। जैसे एक कोई भी स्पीसीज की बात कर लो, हमने बोला गुड़हल में, तो गुड़हल में जब ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जो एंगल बनने वाला वो एंगल सिमिलर होगा, उसमें बदलाव नहीं होगा, चाहे कोई भी पोलन ग्रेन उठा लो, चाहे कोई भी पोलन ग्रेन उठा लो, हर पोलन ग्रेन में वही एंगल बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत से जीनस में भी एंगल सेम होता है, यहाँ लिख रखा है इसने, केवल वही नहीं, इवन इन जीनस ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म इन पोलन, जो दो डॉटर न्यूक्लियाई पोलन के अंदर बन रहे हैं उसका एंगल उस तरह से बनेगा, वन लाइंग टूवर्ड्स द पोलन वॉल, दो डॉटर न्यूक्लियस जो बनेंगे एक पोलन वॉल की तरफ रह जाएगा, दूसरा डॉटर न्यूक्लियस किधर चला जाएगा, इनर साइड सेंटर की ओर चला जाएगा, जो सेंटर की ओर गया वो वेजिटेटिव सेल बनाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनाएगा, और जो वॉल की तरफ रह गया वो जनरेटिव न्यूक्लियस बनाएगा, यानी जो वॉल से चिपका रह गया था वो जनरेटिव न्यूक्लियस बनाएगा। यहाँ लिखा हुआ है टुवर्ड द पोलन वॉल फॉर्म जनरेटिव न्यूक्लियस एंड अदर फंक्शंस एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, द थिन डेलिकेट कर्व्स वॉल इन फॉर्म बिटवीन टू न्यूक्लियाई, उन दोनों के बीच में एक दीवार बन जाती है मुड़ी हुई, एक दीवार बन जाएगी मुड़ी हुई, यानी वो दीवार वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जैसे नहीं होता है कि एक आदमी दीवार, जैसे हम तुम लोग एक तरफ हो गए, हम इस साइड हैं और एक दीवार ऐसे गोल बना ले अपने आप को, बोले पड़ रहा है, तो जो जनरेटिव रहेगा उसके साथ एक छोटी सी मुड़ी हुई दीवार बन जाएगी, एक तो एंथर वो पोलन वॉल है ही, और उसी से ऐसे पैक कर देगा उधर ही, और बचा हुआ पूरा का पूरा एरिया जो हो जाएगा वेजिटेटिव सेल के लिए हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी आइडिया बन रहा है, डायग्राम को देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरेटिव न्यूक्लियस इज स्मॉल एंड लेंटिकुलर, सॉरी, अ थिन डेलिकेट कर्व वॉल इज फॉर्म बिटवीन टू न्यूक्लियाई विथ विच कट ऑफ द जनरेटिव न्यूक्लियस इन ए स्मॉल लेंटिकुलर सेल अगेंस्ट द वॉल ऑफ ग्रेन, इट बिकम फ्री फ्रॉम पोलन वॉल आफ्टर शॉर्ट टाइम। देखो चिपका हुआ है ये, लेंटिकुलर है, चिपका हुआ है, लेंटिकुलर मतलब होता है ये भाले की तरह, ठीक ना, छोटा सा गुल्ली की तरह ये चिपका हुआ है, लेंटिकुलर अगेंस्ट द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, इट बिकम फ्री, अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो फ्री होगा बेटा, इट बिकम फ्री फ्रॉम पोलन वॉल आफ्टर अ शॉर्ट टाइम एंड देन दिस बाई कॉन्वेक्स, ये बाई कॉन्वेक्स हो जाएगा, हो गया, सेल गेट सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म, अभी चारों ओर से साइटोप्लाज्म से घिर जाएगा, ये वेजिटेटिव सेल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म से घिर जाएगा। द शेप ऑफ जनरेटिव सेल में बिकम इलिप्सॉइडल, जो जनरेटिव सेल है इसका जो आकार होगा वो बेटा परवलयाकार होगा या वर्मी फॉर्म होगा, क्रीमी की तरह, केंचुए की तरह होगा, या फ्यूजी फॉर्म होगा, फ्यूजी फॉर्म मतलब परवल की तरह होगा, या लेंटिकुलर होगा, भाले की तरह होगा, हो गया, एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। The elongated form of generative cell, however, facilitated it passes through pollen tube. ये पतला और लंबा हो जाएगा generative cell, ठीक है, इसलिए पतला लंबा हो रहा है क्योंकि इसको pollen tube से होके आगे बढ़ जाना है, अगर ये गोल हो जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, पतला और लंबा होता है इसे pollen tube से होकर के ये आगे बढ़ जाता है, ठीक है, यहीं पर रोक रहा हूं।